अरे इधर जाओ भाई, सबरे पुलिस प्रशासन द्वारा इनको ले जाया जा रहा है। अरे इनके जाते सबकी वीडियो है, सबकी। परियोजना प्रमुख महानगर मथुरा, ये हमारे विभाग संयोजक हैं विजय गुजर जी, ये हमारे अजय शर्मा जी हैं, ये देख रहे हैं फील्ड बीजेपी का, ये हमारे महानगर संयोजक हैं बलराम जी। ऐसा हुआ था कि विजय जी का फोन आया करीब 2 घंटे पहले कि एक इंद्रपुरी कॉलोनी है, इंद्रपुरी में तुलसी नगर लगता है, कि वहाँ पे जाके देखो, और कोई बाहर से टीम आई हुई है और उनमें विदेशी भी बता रहे थे कि विदेशी भी हैं और वहाँ पे कोई मतांतरण करा रहे हैं। तो हमने आके यहाँ देखा, श्रीजीनगर की टीम को इकट्ठा किया कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है भाई साहब, हम भी पहुँच रहे हैं और आप भी पहुँचिए वहाँ। तो फिर हम सब यहाँ आए तो देखा कि यहाँ पे 70 कुर्सियाँ लगी हुई हैं और उन पर 63 आदमी बैठे हुए हैं, जिनमें महिलाएं हैं 50% और 50% पुरुष हैं। और देखो ये बाइबल की किताब है, ये बहुत सारे सबूत ऐसे पकड़े जो एक बोरा भर के सबूत है, दो तीन हाँ लैपटॉप भी है उसमें बहुत सारे पर्सनल डायरी भी है, पासबुक भी है जिसमें पैसा ट्रांसफर होता है, प्रलोभन देते हैं ये और जबरदस्ती है धर्मांतरण कराते हैं, मतांतरण करा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती करा रही है। और इसी हिसाब से ये यहाँ पे 5 सालों से चल रहा है, धीरे धीरे अड़ोसी पड़ोसियों को जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर से लोगों को बुलाते हैं, कुछ बता रहे थे बरसाने से बुलाएं, कुछ भाई से बुलाएं, कुछ परकम से बुलाएं, कुछ फरे से बुलाएं, कुछ छाता से बुलाएं, कुछ कोसी से बुलाएं, इस तरह से यहाँ बुला के इकट्ठा करके और उनका मतांतरण करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, बताते हैं कि नहीं यीशु भगवान ने देखो ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया, फ्रॉड बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बिल्कुल, और प्रलोभन पैसे का देते हैं और जबरदस्ती अगर कोई ना भी करना चाहे तो उसको क्या कहते हैं कि बन कि तेरा ये बेटा खत्म हो जाएगा, तेरा ये खत्म हो जाएगा, हम तुझको मार देंगे, इस तरह से बर्बाद कर देंगे। तो वो आदमी फिर वो सोचता है कि शायद ऐसा ना हो जाए, और यहाँ के भोले लोग हैं हिंदुस्तान के, तो इसलिए प्रलोभन में आ जाते हैं। इसलिए मैं इनसे यही चाहता हूँ कि प्रशासन से भी, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया है कि प्रशासन उनको जल्दी से जल्दी जेल भेजे, यहाँ से ले गए थाने ले गए लेकिन उनको जेल भेजे। जय श्री राम। इनका उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है उसको धीरे धीरे अल्पसंख्यक में लाओ और अपना धर्म बढ़ाओ। मैं बताऊं, शर्मा भाजपा मथुरा महानगर से हूँ, और उससे पहले मैं स्वयं सेवक हूँ। ये धर्म जागरण की जो टीम है, इसको सूचना मिली थी कि कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे सभा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। उसके बाद बड़े जागरूक होकर पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी गई। इसमें हमारे धर्म जागरण के जो संयोजक हैं, सह संयोजक विजय गुजर जी, राणा विक्रम सिंह सिसोदिया जी, बलराम ठाकुर जी, बबलेश जी, नरेंद्र गुजर जी, सब ने यहाँ पे इकट्ठे होकर उसको पकड़ा, उन लोगों को पुलिस को सूचना दी। काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में सामग्री, बाइबल है, लैपटॉप है, चेकबुक है, डॉक्यूमेंट है, ये सब बरामद हुआ। पैसे के बल पे, धमकी के बल पे धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। बहुत ही दुखद है, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहा है, ये बहुत ही दुखद है, और भाजपा में भी इस विषय को उठाऊंगा मैं। और बाकी आधार मिले हैं, सारा रिकॉर्ड मिला है, तो ये पैसों का प्रलोभन उन्हीं को दिया जाता है जो गरीब तबके के लोग हैं, तो उनको पैसे का प्रलोभन देके, कोई बीमार है, पैसे की आवश्यकता है, मकान का पैसे ले लो, तो किसी भी तरह, मतलब आप ईसाई बन जाओ, चाहे आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो, आप घर ले लो, कुछ भी चीज ले लो, तो ये बहुत ही, इसके तार पूरे विदेशों से ही जुड़े हुए हैं, वहीं से पूरा लिंक है जो पूरा भारत में फैल गया है, और भारत पे जो राज करेगा वो विश्व गुरु बनेगा। तो इसी की तरह धीरे 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 लोग गए हुए हैं, कामयाबी नहीं मिलेगी, और आज की जो घटना है इससे जागरूक होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेज के और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मथुरा विभाग सह संयोजक हूँ। अभी आपने पूछा इन लोगों का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व भर में एक मुहिम चली हुई है कि भारत पर जिस धर्म का कब्जा होगा वह विश्व गुरु होगा। तो इसलिए लगातार इस्लामी और ईसाई गतिविधियां अपने देश में लगातार जारी हैं, और उनका एक ही मकसद है कि इस पूरे भारतवर्ष को या तो इस्लाम बना दिया जाए या इसे क्रिश्चियन बना दिया जाए। इसलिए इन क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा लगातार अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में, सर्वप्रथम दलित के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बीमारियों के नाम पर, अपने भोले भाले समाज को, अपने हिंदू धर्म को बहलाया फुसलाया जा रहा है।
ताकि ये पूरा देश एक ईसाई बहुल देश बन जाए। यही कारण है कि ये गतिविधियां पूरे निरंतर पूरे देश भर में चल रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नजारा देखिए, आप पंजाब का देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, तीन अपने स्टेट पूरे बकायदा ईसाई हो चुके हैं। केरल की स्थिति आप देखिए, 25% ईसाई करोड़ हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 4 करोड़ क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। बहुत भयानक स्थिति है। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए धर्म जागरण समन्वय लगातार मुहिम चला रहा है। उसी के तहत आज 2 घंटे पहले हमें जैसी सूचना प्राप्त हुई, 50 से 60 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और ऐसे मतांतरण की गतिविधियां जिसमें विश्वा कराया जा रहा था, ये चंगाई सभा नहीं थी, इसमें लगा सारे लोगों का विश्वा कराया जा रहा था, उनका मतांतरण कराया जा रहा था, ऐसी आज एक घटना रोकी गई है जिससे 150 से 200 अपने हिंदू भाई बहनों को बचाया गया है। जी तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं गोरखशदल भारत से हूँ। हमें आज सूचना मिली थी, जो कि अपना एक संगम परिवार में एक धर्म जागरण प्रमुख करके एक अपना संगठन है, उस संगठन के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि काका में एक जो मंडी चौराहे के पास में जनसवंत टेलीकॉम के पीछे एक इंद्रपुरम कॉलोनी पड़ती है, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो वहाँ पे हमारी सारी पूरी टीम पहुंची प्रशासन के साथ में, वहाँ देखा तो वहाँ पे बहुत सारे सबूत मिले जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जैसे कि बाइबल और बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो कि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सनातन भाइयों को ये बहला पुसला करके लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि मथुरा जिले नहीं, भारत के अंदर जहाँ भी ऐसे लोग पाए जाएंगे, धर्म के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का बंदा हो, जो धर्म से धर्म परिवर्तन कराएगा या उसका सहयोग करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा, जो कार्रवाई उचित होगी उसके खिलाफ की जाएगी। धर्म को छेड़ने वालों को जेल भेजो सालों को, धर्म को छेड़ने वालों को जेल भेजो सालों को, जेल भेजो सालों को, धर्म को छेड़ने वालों को जेल भेजो सालों को। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय गौ माता, जय श्री राम। जय गौ माता, जय श्री राम। जैसे कि भाइयों अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो मंडी चौराहे के पास में एक कॉलोनी पड़ती है, इस जगह पर बड़ा ही तरीके से धर्म परिवर्तन चल रहा है। देखो, चलो आपको दिखाते हैं। आज देखिए, ये है दोनों ही अगर जो धर्म परिवर्तन करेगा, धर्म के साथ छेड़छाड़ करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय गौ माता, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय गौ माता, जय श्री राम। लोग इधर हैं और लेडीज इस वाले घर में बंद कर रखी हैं। ये यहाँ पर तुझ पर कृपा करूंगा, संपत्ति थोड़ी सब निकले।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।